हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मेरे पास है KTM की एडवेंचर 390। नॉर्मल वाला वर्जन ये है, रेगुलर वाला SW नहीं है, X नहीं है, तो मेन वाला वर्जन ये है जो सबसे पहले आया था और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी यही है। तो सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसके बारे में, तो वीडियो का एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ी सी हेडलाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर एक बड़ी सी विंडशील्ड देखने मिल जाती है, नॉन एडजस्टेबल विंडशील्ड ये है, LED इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, WP Apex के अपसाइड डाउन फोक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। WP Apex KTM का इन हाउस ब्रांड है। प्लास्टिक का मडगार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 19 इंचेस का फ्रंट व्हील आपको मिलता है और ब्लॉक पैटर्न्स के साथ आता है, जिसकी वजह से इसके साथ ऑफ रोड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कर्व्ड रेडिएटर इसमें आपको मिल जाता है डुअल फैन वाला, तो वो एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से इसकी जो हीटिंग है वो थोड़ी सी कम करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है, तो जो ड्यूक 390 है और ड्यूक 250 दोनों में ही 15 लीटर का टैंक आता है, तो इसको थोड़े से अपडेट की ज़रूरत है यार। 373 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। 43 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करता है और 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैश प्लेट काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने में लगती है बैश प्लेट ये जो है। जो ऑफ रोड वाले फुटपैक्स होते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजिशन इस बाइक पर मिल जाती है। 855 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक पर मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मेरी हाइट 6 feet होने के बाद भी मैं इसको बेयरली फ्लैट फुट कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से फ्लैट फुट कर पाता हूँ, और थोड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे वाली जगह पर खड़ी कर दी तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो मेरे पैर पहुँचते नहीं है, फिर मेरे को भी टिप टो करके चलना पड़ता है। ये वाला जो एग्जॉस्ट है ये आप देख सकते हो, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को पर्सनली स्पीकिंग, थोड़ा सा अच्छा फिनिश किया जा सकता था इस एग्जॉस्ट को। 130 सेक्शन के टायर आपको पीछे मिलता है, ऐसी कुछ लाइट आपको पीछे देखने के लिए मिल जाती है। एक बार मैं आपको जला कर दिखाता हूँ, अगर ये जल जाए तो नहीं जली, अब जलेगी, देखो ऐसी कुछ टेल लाइट आपको देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है अपने आप में, पर मेरे को हिमालयन की टेल लाइट ज़्यादा बढ़िया लगती है इसके मुकाबले। टेल टाइडी इस वाली बाइक की जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा स्लीक सी टेल टाइडी यहाँ पर दी गई है। सीट की बात कर रहे थे हमने, यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है दोनों के लिए ही, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस बाइक। ओके, साइड स्टैंड कट ऑफ आपको मिल जाता है, क्विक शिफ्टर आपको मिल जाता है इस बाइक में, और यहाँ पर ये जो बटन्स दिए गए हैं ये वाले पुराने वाले सेट के बटन्स हैं, अभी तक इस बाइक में कोई अपडेट आया नहीं है ऐसे, तो इन बटन्स की क्वालिटी भी पुराने होने के बावजूद भी, ये बाइक देखो 21,000 किलोमीटर चल चुकी है तब भी इन बटन्स की क्वालिटी जो है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस बाइक। ओके, इस बाइक में आता क्या क्या है, इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS के मोड मिल जाते हैं, राइड मोड्स मिल जाते हैं, और मोटरसाइकिल में देख सकते हैं हम क्या क्या आता है, ABS मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस बाइक में मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से होता क्या है, आप इसमें अपना टर्न बाय टर्न नेविगेशन चला सकते हो, अपने गाने चला सकते हो अपने हिसाब से, तो वो एक चीज़ है यार। ये वाला जो डिस्प्ले है वो अब हालांकि पुराना हो चुका है, अब तो नया डिस्प्ले आ गया है, इसके अपडेट में भी वो शायद नया डिस्प्ले आने ही वाला होगा। एडजस्टेबल लिवर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, काफ़ी बीवी से मिरर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो मेरे को लगता है मैं सारी बातें कवर कर दी हैं यार इस बाइक के बारे में, कुछ मेरे से रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, तब तक हम इसका राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके बॉयज, तो बात करना स्टार्ट करते हैं यार एडवेंचर 390 के बारे में। सबसे पहले हमेशा हम क्लच की बात करते हैं, तो क्लच लीवर इस बाइक में एडजस्टेबल आता है, ब्रेक लीवर इस बाइक में एडजस्टेबल आता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्लच की फीलिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। अगर मेरे को इस क्लच को रेटिंग देनी हो 10 में से, तो मैं इसको 9 दूंगा या 9.5 भी दे दूंगा, क्योंकि सॉफ्टनेस में हल्का सा पीछे है होंडा के मुकाबले, होंडा के क्लच के लिए 10/10 रेटिंग होती है, इसके लिए 9.5 है, तो आप समझ लो कि कितना ज़बरदस्त क्लच ये है। ओके, तो अब बात करते हैं यार इस बाइक की सीटिंग पोजीशन के बारे में। सीटिंग पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, आपकी को इस सीट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम मिल जाता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस बाइक, क्योंकि इतना ज़्यादा रूम किसी भी एडवेंचर बाइक में नहीं है इस सेगमेंट की एटलीस्ट, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बटन्स की बात करते हैं यार, बैकलाइट बटन्स आते हैं इस बाइक में, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वालिटी है। अगर ये बाइक चल चुकी है 21,000 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल चुकी है ये बाइक, तब भी इस बाइक की जो बटन्स वगैरह की क्वालिटी है, बाकी सारी जो फिट एंड फिनिश है उसका ही भी दिक्कत नहीं आई है, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड। जो नकल गार्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। विंडशील्ड थोड़ी सी शिकायत है मेरे को विंडशील्ड से, विंडशील्ड केवल मेरी चेस्ट तक की हवा मेरे ऊपर से हटा रही है, लेकिन मेरे सर पर काफ़ी ज़्यादा हवा अभी भी मेरे को फील हो रही है, तो वो एक चीज़ है यार जो इसके विंडशील्ड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है अभी भी। ओके, क्विक शिफ्टर आपको इस बाइक में मिल जाता है, तो क्विक शिफ्टर की वजह से गियर शिफ्टिंग एब्सोल्युटली स्मूथ है, इस बाइक का क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इवन नई वाली ड्यूक से बेटर काम कर रहा है। इंजन की अगर वाइब्रेशंस की बात मैं करूँ, तो वाइब्रेशंस इस वाली बाइक में आपको ड्यूक 390 जो नई वाली है उससे काफ़ी ज़्यादा कम वाइब्रेशंस देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि इसके जो मिरर्स हैं उस पर आप वाइब्रेशंस देख सकते हो, मिरर्स में वाइब्रेशन आ रही हैं डेफिनेटली, और हैंडल बार पर इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी आपको कि यार प्रॉब्लम फील हो। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस बाइक के साथ कि आपको वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी कि आपको इरिटेट कर दे, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है इस बाइक का, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। अभी मैं इस ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
मैंने अभी जस्ट ड्यूक 390 चलाई है, उसके कंपैरिजन में दिस इंजन इज मच बेटर। ये पुराना वाला इंजन है 373 सीसी वाला, जो नया वाला इंजन था ड्यूक का 399 सीसी वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा रफ है, ज़्यादा राउडी है, तो वो एक प्रॉब्लम है यार उसके साथ, जो कि मेरे को थोड़ी सी कम पसंद आती है। एक जो मेजर एडवांटेज है इस बाइक का वो ये है कि इस बाइक के साथ आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ हो जाती है किसी भी बाइक के लिए। अगर आप कहीं भी फंस जाओ तो यू कैन इजीली रिपेयर योर पंचर्स, बाकी बाइक्स में ऐसा नहीं कर सकते। बाकी जो एडवेंचर बाइक्स हैं सेगमेंट की, हिमालयन हो गई या फिर यजी एडवेंचर हो गई, ये सारी बाइक्स जो हैं वहाँ पर आपको पंचर की रिपेयरेबिलिटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है, तो वो एक चीज़ है यार इस बाइक के साथ जो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मेरे को लगती है। यह 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसको एक अपडेट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि 15 लीटर का फ्यूल टैंक तो आप ड्यूक 250 में ही दे रहे हो और ड्यूक 390 में ही दे रहे हो, तो वो एक चीज़ है यार जो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कम से कम 17 लीटर का फ्यूल टैंक तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बाइक का जो माइलेज है वो अराउंड 22-25 ऐसे ही आता है, तो इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इसका जो टैंक है उसको बड़ा करने की। एक जो मेजर डिसएडवांटेज इस बाइक का है वो ये है कि इसकी जो सीट हाइट है वो 855 mm की है, तो मैं 6 feet का हूँ तब भी मेरे पैर बेयरली पहुँचते हैं, तो मेरे पैर दोनों साइड पहुँच जाते हैं पर बेयरली पहुँचते हैं यार, ऐसे नहीं पहुँचते कि एकदम ईजिली पहुँच रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक चीज़ है यार जो KTM को इस बाइक के साथ एड्रेस करनी चाहिए। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी सबसे कम है इस सेगमेंट में, तो वो एक चीज़ है यार जो KTM को फिक्स करनी चाहिए। अपडेट्स में मेरे को पता है कि KTM वाले इस चीज़ को एड्रेस कर देंगे, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर। ओके, क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी बातें मैंने कर दी हैं इस बाइक के बारे में। यहाँ चलते हैं KTM पे, और अगर आपको KTM की कोई भी बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली सेक्टर 63 पर आ सकते हो, KTM का शोरूम है, और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी गाइस। तो बताना मेरे को कैसा लगा ये ब्लॉग, सारी बातें मैंने ऑलमोस्ट कर दी इस बाइक के बाय बाय।